तो प्रदेश में कोरोना की महामारी ने एक तरीके से कोहराम यहां पर मचा रखा है। इस पर कई तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। पर जयपुर के ज्योतिषाचार्य रामस्वामी का मत है कि अभी राहु बलवान है जो मई में कमजोर हो जाएगा और फिर इस रोग का प्रभाव कम होने लगेगा। इससे पहले हमें लॉकडाउन और सात्विक जीवन जीते हुए घरों में रहना है और सुरक्षित रहना है। ऐसा करके ही कोरोना के संक्रमण से हम बच सकते हैं। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के वैश्विक संकट से जूझ रहा है। हर आदमी के मन में शंकाएं उठ रही हैं कि यह बीमारी कब तक रहेगी, कब जाएगी और इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। दर्शकों से ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूं। दर्शकों को बताना चाहता हूं कि किसी भी बीमारी को, महामारी को, विषाणुओं को फैलाने में राहु की अग्रणी भूमिका रहती है। वर्तमान समय में राहु के ऊपर किसी भी ग्रह का नियंत्रण नहीं है। 10 मार्च तक मंगल जो था वो धनु राशि में था और धनु राशि का मंगल राहु को पूर्ण दृष्टि से देख रहा था और राहु के ऊपर मंगल का नियंत्रण था। तब तक ये बीमारी एक सीमित भूभाग तक रही। उसके बाद जैसे ही मंगल धनु राशि से निकल करके अपनी उच्च राशि मकर में गए, उसके बाद से बीमारी एक विस्फोट की तरह पूरे यूरोप में और अन्य देशों में फैल गई। नीच राशि के बृहस्पति डॉक्टरों के लिए, सेवाभावी संस्थाओं के लिए, नर्सों के लिए, एनजीओ के लिए एक वरदान की तरह से हैं। ये लोग जी जान से जुट के अपनी जान के ऊपर खेल करके हर हालत में इस बीमारी से जूझने का प्रयास करेंगे और उसमें विजयी रहेंगे।